सोलन के निजी नर्सिंग कॉलेज में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर मौत हो गई। मृतका शिमला की रहने वाली बताई जा रही है और वे नर्सिंग के प्रथम वर्ष में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। वहीं मृत छात्रा के परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन को छात्रा की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मृत छात्रा के माता पिता ने कॉलेज प्रबंधन पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी का कॉलेज प्रबंधन के साथ छुट्टी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत छात्रा ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को भी दी थी, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत पर भी गौर नहीं किया और छात्रा को प्रबंधन द्वारा मानसिक रूप से परेशान किया गया। यही कारण रहा है कि छात्रा ने इतना बड़ा कदम उठाया है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहाँ पे जाके इंक्वायरी करो वहाँ पे प्रेशर डालते बच्चों के ऊपर, कार्रवाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। वहाँ सारे अपने बच्चे जा रहे। मुझे ये शक है जो इनका कॉलेज प्रशासन है और क्लास टीचर है, इनका व्यवहार बच्चों से ठीक नहीं है और ये बच्चों को बार बार तंग करते हैं और इनके ऊपर मेरे को शक है कि भाई इन्होंने ही इसमें कोई गड़बड़ किया हुआ है। और हमारे को जिस तरह से मेरा बच्चा आज मेरे पास नहीं है और वो इस दुनिया से चला गया हुआ है, कॉलेज प्रशासन इसका जिम्मेवार है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।